इंफॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के औरंगाबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई में जबरदस्त गोलीबारी की गई है, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है, पर 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत आनन-फानन की स्थिति में हॉस्पिटल रेफर कराया गया है। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई वो दो महिलाओं के बीच हुई और महिलाओं की बकझक के बीच अचानक से दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी होने लगी, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और देखिए कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही थी, घरों में बचा जा रहा था, साथ ही साथ दो गुटों का क्या कुछ कहना है, दोनों गुट के तरफ से जो लोग सामने आए हैं उन दोनों ने अपना पक्ष क्या कुछ रखा है। पहले आप इन तमाम वीडियोस और उनकी बातों को सुनिए। ये हादसा कैसे हुआ है? ये हादसा महिला लोग की लड़ाई थी, महिला के लोग की लड़ाई में इनके घर में, पूनम के घर में कोई नहीं थे, अपने उन लोग एकजुट एकाएक उन लोग सारे एकजुट होके लाठी पहना से मारने लगे। कौन मारे हैं? मारे हैं नाम रामजीवन यादव है, सुनील कुमार है, जेपी यादव है और सुनील के बच्चे लोग हैं। यहाँ का मामला था जो घटी घटी, क्या मामला पूरा बताएंगे? औरत में बाहर बैठी हुई थी और बाहर बैठला के बाद में दो चार गो औरत आउट थोड़ा दूरी पर जा करके गप सप कर रहा था, उकरे बीच में ये हमारा मेहरारू पर औरत पर टोन छोड़ी, इसकी ऐसे निकले ला ना बना उसका तो चलिए ना होगा। कौन टोन छोड़ा? दीपक के मार। अच्छा, समझे? और उसके बाद में वो दोनों औरत कुछ 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 बनने लगा, उसी में हमारा पोता निकला उसको समूचा ईटा से मार दी, पार नहीं पूछा, समझे? यही बात है। और उसको बाद में पड़ेरिया के लेकिन के बुला करके और पीड़ितों के सबको बुला करके हमारा ईटा पत्थर से करकट बुकनी चुकनी कर दी और उसके बाद में गोली निकाली, दो तीन फार गोली चलाई, लाइसेंसी गन रख लिया तो हम लोग घर में हर कौन किया? हर कौन किया? पिरथू वाला। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग करीब दो गो प्रेजेंट हैं और कुछ मैंने और है, जैसे सर क्या क्या नाम है दोनों का घायल है सर? हमारा नाम हो गया रामजीवन यादव और एक और सुनील यादव। दरअसल औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथ विघा गांव में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में दो महिला समेत 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 5 की हालत बेहद गंभीर है, जिसके कारण बेहतर इलाज हेतु मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मदनपुर थाना पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथ बिघा गांव में आज शाम दो महिलाओं के बीच बड़े विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिनमें दोनों पक्षों से कुल 7 लोग बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। घायल रामजीवन सिंह ने बताया कि हमारी पत्नी बाहर बैठी हुई थी, तभी दीपक कुमार की माँ के साथ आपस में बकझक होने लगी और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया, जिसके बाद दीपक कुमार ने पड़िया और पिरथू के कुछ लोगों को बुलाकर टांगी तथा ईंट से दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने बताया कि महिला लोगों की लड़ाई थी, सभी एकजुट होकर रामजीवन यादव और उनके परिजनों ने दूसरी तरफ से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना हम लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को दी है। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सभी लोगों को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 5 लोगों पर प्राथमिकी उपचार उपरांत सभी की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु बाहर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर थाना की पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। औरंगाबाद में दो पक्षों के बीच हुई इस लड़ाई की मुख्य जो वजह है वो महिलाओं की बताई जा रही है, जहां पर सबसे पहले बकझक दो महिलाओं के बीच शुरू हुई और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच से मारपीट और जबरदस्त फायरिंग होने लगी। दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें कुल 7 लोगों को गोली लगी है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। उनकी स्थिति बेहद ही नाजुक है, जिस वजह से उन्हें बाहर मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए।
लिए पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही है, पुलिस तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया, मुख्य वजह क्या कुछ थी, महिलाओं के बीच झड़प का कारण क्या था जिसके बाद ये जो विवाद है उसने भयंकर रूप ले लिया और भयंकर रूप लेते हुए 7 लोगों पर गोलीबारी की गई। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में अपना ही लगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।